तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको हर एक चीज़ के लिए एक ऐप मिलती है, जिसके अंदर आप उस ऐप के थ्रू पर्टिकुलर टास्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसी के अंदर एक ऐप आती है थीम पार्क ऐप, जिसके अंदर कमाल का एक नया अपडेट आया हुआ है। और इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं सब मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको देखेंगे, आपको यहाँ पर थीम पार्क ऐप में एक नया अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं ये अवेलेबल आपको मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 2 मई को रोल आउट किया गया, जिसका अपडेट वर्जन नंबर है 11.00.9, जिसका साइज़ है 14.79 MB का। अब बात करें 2 मई को आया है, दोस्तों जैसा कि हर बार मैं बताता हूँ कि प्रीमियम फोन्स में पहले आ जाता है, फिर मिड रेंज में और सबसे लास्ट में लोएस्ट में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर 2 नए चेंजेस किए गए, फिक्स एन ऐप क्रैश व्हेन क्रिएटिंग एन आइकन पैक, कि जब भी आप इसमें अंदर आइकन पैक बना रहे थे तो ऐप क्रैश हो रही थी, उसको वहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। साथ में कुछ माइनर बग्स को फिक्स आउट किया गया है कलर के अंदर। तो मेनली बात करें दोस्तों, ये ऐप क्या काम करता है। दोस्तों जैसा कि इस ऐप का नाम है थीम पार्क, तो ये थीम पार्क मतलब थीम बनाने का काम करता है। आप इससे नेविगेशन थीम आप इससे क्यूक पैनल की थीम बना सकते हैं, नॉर्मल थीम बना सकते हैं, अपने कीवर्ड की थीम बना सकते हैं, और भी कि अपने आइकन्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसको अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3-4 सेक्शन मिलेंगे, थीम्स, कीबोर्ड, क्यूक पैनल, आइकन्स, वॉल्यूम पैनल्स, मतलब इन सब की थीम्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ब्रीफिंग में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। सिंपल आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप थीम क्रिएट कर पाएंगे आप अपने मोबाइल के लिए कोई सी भी थीम। चाहे तो आप इसमें करेंट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी से कोई वॉलपेपर उठाना है तो वो उठा सकते हैं, ठीक है, और कुछ एडवांस एक्सप्लोरर कोई वॉलपेपर उठाना है तो आप वो भी यहाँ पर उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैंने यही वाला वॉलपेपर ले लिया, या फिर मैं अपना एक वॉलपेपर ले लेता हूँ। तो लाइक मैंने अपनी ये फोटो सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया, आप देख रहे होंगे मैंने अपनी यहाँ फोटो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थीम क्रिएशन में चले जाएगा, तो आप इतना इतना पार्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सा कलर दिखे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर, जैसा कि वहाँ पर ब्राउन कलर है, आपको ब्राउन कलर को चेंज करना है, वहाँ पर कौन सा कलर चाहिए, या आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको जिस कॉम्बिनेशन पे करेंगे वो पूरा वहाँ पर चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन पर आप क्लिक करेंगे वो पूरा वहाँ पर वर्टिकल चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप जाएंगे ऑन बैकग्राउंड सरफेस, सब जगह आप यहाँ पर कलर को चेंज आउट कर सकते हैं, जिस कलर को भी आपको चेंज करना है वहाँ पर। जैसा कि प्राइमरी में चेंज कर लिया मैंने, वहाँ पर मुझे थोड़ा लाइट चाहिए तो मैंने लाइट ले लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पूरी तरीके से इसको पूरा कलर को चेंज आउट कर सकते हैं। जो सा आपको कलर चाहिए उस पर कलर को क्लिक करें और वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएंगे और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। इसको करने के बाद मैं फटाक से बना दे रहा हूँ। यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर डाउनलोड पर सेव कर देना है, इसको कोई भी नाम दे देना है अपनी थीम्स को। थीम को नाम देने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है, जैसे कि आ गया है, सेव हो चुका है, और सिंपली आपको इसको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे थीम अप्लाई हो जाएगी, हर जगह आपके सेम यही जो आपने थीम क्रिएट करी थी हर जगह उससे मिलता जुलता कलर हर जगह सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इससे क्रिएट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल मोबाइल की थीम। जैसे कि आप देखेंगे ये थीम क्रिएट हो गई है और जो फॉन्ट मैंने कलर यूज़ करे थे सब कलर वो वैसे के वैसे वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कीबोर्ड। तो इससे आप कीबोर्ड को भी डिज़ाइन कर सकते हैं सेम ऐसी की तरह। यहाँ क्रिएट पर जाना है, कीबोर्ड पर ये जो कलर दिए हुए हैं जिसको कलर को आपको जो भी करना है वहाँ पर क्लिक करते जाओ, कलर को सिलेक्ट करते जाओ। फोटो लगानी है फोटो भी लगा सकते हैं, कलर को सेट आउट कर लो, वापस इसको ऐसे डाउनलोड करके सेव कर दो और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया कीबोर्ड के लिए। इसी के बाद वैसे ही बैक करें, यहाँ पर आएगा क्यूक पैनल। तो क्यूक पैनल बोले तो ये चीज़ होती है क्यूक पैनल, आप इसको भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से थीम्स को। इतनी सारी थीम्स मैंने डिज़ाइन कर रखी हैं, आप क्रिएट न्यू पे जाके और भी कोई डिज़ाइन करना हो, और भी कुछ आपको डिज़ाइन करना है, जो भी आपको डिज़ाइन करना है आपको उस पर सिंपली सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जो सा भी आपको डिज़ाइन करना है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मुझे ये कर दिया मैंने, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, वापस वही डाउनलोड पे जाऊंगा, सेव करूंगा,
देन वो वहाँ पर अप्लाई में आ जाएगा और सिंपली आप उसको अप्लाई कर देंगे तो हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आप थीम्स अलग कर सकते हैं, थीम में सब कुछ आ जाएगा और सिंपल में सिंगल में यही आएगा। जैसे ये क्यूब पैनल मैंने डिज़ाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आएगा आइकन्स, आप अपने गैलेक्सी में जो आइकन्स होते हैं ना उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आइकन्स बोले तो ये वाले जो होते हैं ना, इन सबको डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे आइकन्स चाहिए क्रिएट, जैसे उससे बाई डिफॉल्ट मैंने कर रखे हैं। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद आइकन पैक में चले जाना है, यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, या डाउनलोड पर क्लिक करके आप आइकन को डाउनलोड कर सकते हैं और उस आइकन को सिलेक्ट करो और उसको बस अप्लाई कर दो। जैसा कि ये डाउनलोडेड है, मेरे को उसको अप्लाई करना है, मैंने क्रिएट करा, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है, लोडिंग इमेज पे ले रहा है, अप्लाई हो जाएगा और आपको सिंपल यहाँ डाउनलोड करके सेव कर देना है और ये भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट वॉल्यूम पैनल, मतलब कि साउंड पैनल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। साउंड पैनल मतलब कि ये वाला पैनल, ये जो पैनल होता है ना, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड दिए हुए हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करो, वापस उसको सेव करो एंड देन वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये काम करता है थीम पैनल। अब इसमें अपडेट ये था कि इसमें कुछ बक्सेज आ रहे थे, जैसा कि आइकन पैक क्रिएट कर रहे थे कुछ बक्सेज आ रहे थे, नॉर्मल थीम क्रिएशन में कुछ बक्सेज आ रहे थे, उसको वहाँ पर फिक्स आउट कर दिया था गया था, बट फिलहाल ये परफॉर्म बेटर कर रहा है और आप इसे थीम क्रिएट करके देखेंगे डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और मुझे ज़रूर बताना ये ऐप आपको कैसी लगी, ये वाली ऐप आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक में भी DM करके ही पूछ सकते हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप पर नए चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको अपडेट फटाफट मिल सके। तो थैंक यू सो मच।